नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और ये है हमारी आज की खास पेशकश गुरु दक्षिणा। बेईमानी की बुनियाद पर खड़े स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं सच का पाठ। शिक्षा का मंदिर बन गए हैं ऐसे चमकते महल, जिसमें दाखिल होने के लिए बस्ते में किताबों की बजाय भर कर ले जानी पड़ती है करारे करारे अच्छे अच्छे हरे नोट। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में जहाँ बनता है कानून, वहाँ बड़े बड़े मंत्रालय और देश के संचालकों की नाक के नीचे बिना किसी शर्म और डर के खुलेआम दलालों और बाकी लोगों की मदद से दाखिले के नाम पर किया जा रहा है लूट। स्कूल करते हैं बच्चों के माँ बाप से मनचाहे वसूली और हक से मांगते हैं डोनेशन की गुरु दक्षिणा। इस बात को और आगे बढ़ाएं, स्टार न्यूज और कोबरा पोस्ट आज करेगा यह खुलासा कि किस तरीके से शिक्षा के नेक पेशे के नाम पर दिल्ली के पब्लिक स्कूल चला रहे हैं लूट खसूट का यह बहुत बड़ा धंधा। अपने स्कूल को इन्होंने बना दिया है एक दुकान और क्लासरूम बन गए हैं कमाई का वो अड्डा। नोट दिख रहा है आपको? जी हाँ, वो स्कूल जिसकी जिम्मेदारी है बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के और नेक नियति का पाठ पढ़ाने के, लेकिन वो खुद भूल गए हैं अपना सबक। खुलेआम डोनेशन के नाम पर रकम ऐड कर ये स्कूल भर रहे हैं अपनी तिजोरी। दिल्ली के आंध्रा एजुकेशनल सोसाइटी के स्कूल की कोल पट्टी खोलती है असित दीक्षित और जमीर खान, हरीश शर्मा और आशीष अग्रवाल की ये विशेष रिपोर्ट। सोसाइटी का दिल्ली में स्कूल, दाखिले के वक्त यहाँ लगती है बच्चों और उनके अभिभावकों की कथा। अभिभावक चाहते हैं कि सरस्वती के ऐसे मंदिर में उनके बच्चों को दाखिला मिले, लेकिन शिक्षा के इस मंदिर में दाखिला उन्हीं के बच्चों को मिलता है जो दे पाते हैं मोटी रकम का चढ़ावा। जी हाँ, आज हम दिखाने जा रहे हैं आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल का असली चेहरा। एक ऐसा सच जिसने शिक्षा जैसे पवित्र काम को भी बनाकर रख दिया है लूट खसोट का धंधा। जरा सुनिए एडमिशन इंचार्ज के मुंह से कैसे डोनेशन का चढ़ावा मिलने पर शिक्षा के मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अक्टूबर नवंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आया था, नर्सरी सेक्शन है हमारा, तो जो कॉल फॉर इंटरव्यू हमें दिसंबर जनवरी फरवरी तो फर्स्ट अप्रैल से शुरू हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर से फीस स्ट्रक्चर 250 पर मंथ, जरा 25,000 रुपये डोनेशन 25,000 रुपये डोनेशन से 25 तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपनी पे कर देंगे सर, डोनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं, डोनेशन देने से सीट नहीं मिलता, सीट होगा तो सेक्शन में इनसे लेते हैं। सुना आपने, स्कूल में एडमिशन फीस के साथ इन्हें चाहिए डोनेशन की मोटी रकम। ये है आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी के दिल्ली के स्कूल का फीस स्ट्रक्चर। एक बार फिर सुनिए स्कूल के एडमिशन इंचार्ज की डिमांड। फीस स्ट्रक्चर से फीस स्ट्रक्चर 250 पर मंथ, दाखिले की आड़ में डोनेशन यानी दान मांगने में इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। जाहिर है ये रकम होगी फीस के अलावा। जिस स्कूल में बच्चा जाएगा ईमानदारी और नेक इंसान बनने का पाठ पढ़ने और सीखने, उसी स्कूल की पहली सीढ़ी पर खींच दी गई बेईमानी की काली लकीर। और अभिभावक को एक मोटी रकम चुकाकर खुद बच्चे को पार करवानी पड़ेगी ये लकी। डोनेशन वगैरह की रिसीप्ट वगैरह तो होती नहीं? रिसीप्ट होते हैं, एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। अच्छा अच्छा, एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, मैं डीलिंग नहीं है। आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी के आईटीओ दिल्ली शाखा के एडमिशन इंचार्ज पी के राव की बातों से जाहिर है कि उनके दिमाग में सिर्फ बसी है पैसा ऐंठने की बात। बच्चे की तालीम की शुरुआत जैसे नेक और जिम्मेदारी वाले काम से उन्हें कोई मतलब नहीं। जनाब का एडमिशन का रेट इतना पक्का है कि वो डोनेशन की रकम को जरा भी कम करने को तैयार नहीं। अगले अक्टूबर में तो यूकेजी में मिल सकता है वो, ऐसे नहीं।
यही बच्चे आते हैं ना हमारा पॉसिबिलिटी हो तो सर सर कोई पेड सीट वगैरह होती है अभी पेड सीट वगैरह होती है तो सारे पेड सीट है ये पेड सीट कहाँ से आता है जब पांचवी पास होकर सारे आ गए बच्चे वो भी जो अगर आप नर्सिंग में ले रहे हैं कहाँ सोने हो तो बारहवीं तक पढ़ेंगे तब क्यों जाएंगे एंट्री पॉइंट वही है ना आंध्र एजुकेशन सोसाइटी के आईटीओ दिल्ली शाखा के एडमिशन इंचार्ज पीके राव की बातों से साफ है कि बच्चे की तालीम और तरक्की से ज्यादा स्कूल को मतलब है सिर्फ अपनी तिजोरी भरने से और छात्रों का भविष्य संवारने वाला स्कूल बन गया है काली कमाई का अड्डा ऐसा अड्डा जो बच्चों के बस्ते में किताबें नहीं बल्कि नोटों की गड्डियां ही देखना चाहता है स्टार न्यूज के लिए कोबरा पोस्ट से असित दीक्षित और हरीश शर्मा की रिपोर्ट 25,000 रुपए दीजिए और अपने बच्चे के भविष्य को सुनिश्चित कीजिए जी हां दिल्ली में आंध्रा सोसाइटी के स्कूल में दाखिले की हकीकत के बाद अब आपको हम दिखाते हैं दिल्ली के ही कश्मीरी गेट इलाके के क्वींस मेरी प्राइमरी स्कूल में डोनेशन का कैसा चल रहा है खुला खेल यहां का सीधा सा उसूल है डोनेशन की रकम कम नहीं होगी मर्जी है आपकी एडमिशन कराइए नहीं तो वापस जाइए पैसा दीजिए काम कराइए स्कूल में वसूली सुनकर अटपटा लगता है लेकिन उन्हें ऐसा करने में कोई झेप नहीं कोई शर्म नहीं जिन्होंने स्कूल को बना दिया है कमाई की दुकान अब बारी थी क्वींस मैरी स्कूल की दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके का एक प्राइमरी स्कूल आसपास के अधिकतर बच्चे यहीं पढ़ते हैं हमें मिले आशीष आमोस जो स्कूल मैनेजमेंट के सेक्रेटरी भी हैं और स्कूल के मैनेजर भी हमारी ये उनसे तीसरी मुलाकात थी मैनेजर साहब मोटी रकम लेकर दाखिले की मेहरबानी करने को तो तैयार थे लेकिन उसूल के इतने पक्के कि धंधे के टाइम उन्हें मोल भाव कतई पसंद नहीं सुना आपने दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके के क्वींस मैरी प्राइमरी स्कूल के मैनेजर साहब का टका सा जवाब डोनेशन की रकम कम नहीं होगी एडमिशन हो या न हो मैनेजर इस खुशफहमी में अपने कमरे में बैठकर दाखिले के लिए सौदेबाजी करते हैं कि उनकी चालाकी दुनिया के सामने कभी नहीं आएगी लेकिन उनकी असली हकीकत हो ही गई हमारे कैमरे में कैद परसों 12 बजे तक सर स्टार्टिंग में इनिशियल पेमेंट 65,000 रुपए इनिशियल पेमेंट ना की 85 65,000 आपको सर ये 65,000 की रसीद वो आप क्या इतना मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना टाइम और वो खराब कर रहे हैं आप तो वो उसी बता दूंगा पेमेंट है ठीक है यही है दिल्ली के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों का सच डोनेशन के नाम पर अभिभावकों को लूटने का सच हर साल लाखों की रकम बटोरने का सच ऐसा सच जिसकी कोई रसीद नहीं नहीं सरकार को कोई ब्यौरा देना है और नहीं चुकाना है इनकम टैक्स स्टार न्यूज के लिए कोबरा पोस्ट से असित दीक्षित और हरीश शर्मा की रिपोर्ट दिल्ली के सिर्फ दो स्कूलों की यह हकीकत नहीं है हम एक ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दो और बड़े नामी स्कूल जहां चलता है यह गोरखधंधा किसी को चाहिए डोनेशन तो किसी को चाहिए अपने दामाद के लिए कंप्यूटर बताइए एक ब्रेक लेते हैं आप बने रहिए हमारे साथ